आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं महुआ में बन रहे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं नर्सिंग कॉलेज का। आइए देखते हैं कि उसका क्या वर्क प्रोग्रेस। ये जो सड़क देख रहे हैं ये हाजीपुर महुआ ताजपुर रोड है। यहाँ से पटना की दूरी 45 किलोमीटर है, हाजीपुर 25 किलोमीटर है, मुजफ्फरपुर 41 किलोमीटर। दर्शन सराय समस्तीपुर जाने के लिए, ताजपुर जाने के लिए इन रास्तों का उपयोग होता है। नगर पंचायत महुआ की सीमा जहाँ पे आप हरा वाला बोर्ड देख रहे हैं वहाँ से शुरू होती है और ठीक उसके सीमा पे इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं नर्सिंग बीएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण चल रहा है। ये पूरा कैंपस देख सकते हैं कि इन्होंने घेर रखा है, मुख्य सड़क पर है ये देख सकते हैं सड़क के ठीक किनारे इसका निर्माण चल रहा है। KCELCCELJB इसका कॉन्ट्रैक्टर है। सामने देख सकते हैं बोर्ड में फ्लैग्स इन्होंने टांग रखा है। ये इनका एंट्री गेट है जहाँ पे इनका काम चल रहा है। ये देख सकते हैं कि ये काम चल रहा है लेकिन गेट बंद है और अनुमति नहीं है, तो इधर से ही थोड़ी सी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है, फाउंडेशन वर्क चल रहा है। सामने देख सकते हैं फाउंडेशन वर्क, सरिया वगैरह लाया जा रहा है, काम चल रहा है। वहाँ पे सरिया भी कुछ जो है फाउंडेशन के लिए ये किया गया है, ये देख सकते हैं। और उधर अंदर में काम चल रहा है क्योंकि हम गेट के बाहर से ही आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएंगे लेकिन इसका पूरा एरिया हम आपको दिखा रहे हैं। जितना भी ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये सब इसके क्षेत्र में आता है। आगे इसका स्ट्रक्चर का डिजाइन भी है, बिल्डिंग कैसा होगा फ्लैक्स में वो भी हम आपको दिखा। अगर इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे फ्लैक्स में प्रोजेक्ट डिटेल दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल BSC नर्सिंग इंस्टीट्यूट महुआ वैशाली, ये डिटेल है यहाँ पे जिसका निर्माण चल रहा है। क्लाइंट का नाम BMSICL यानी कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना बिहार। कंसल्टेंट नेम WAPCOS। इसका जो डिजाइन तैयार किया गया है वो है नोएडा में तैयार किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर जो है MSKCELCCELJB है, जो मैंने आपको भी बताया थोड़ा देर पहले। इसका जो काम स्टार्ट हुआ है वो डेट ऑफ वर्क स्टार्ट 22/9/2020, डेट ऑफ एक्चुअल स्टार्ट 9/2/2021, यानी कि फरवरी में इसी साल इसका काम शुरू हुआ है। इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 462.11 करोड़ रुपए और इसकी जो अवधि है बनाने की वो 36 महीने की है और टोटल बिल्टअप एरिया इसका ये देख सकते हैं 117,110 स्क्वायर मीटर है। अप्रॉक्स 117,110 स्क्वायर मीटर में इसका निर्माण चल रहा है। ये देख सकते हैं सेफ्टी के लिए इन्होंने ये देख सकते हैं कि नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड ये सब लगाया हुआ है। साइड सेफ्टी का भी फ्लैग यहाँ पे ये लोगों लगाए हुए हैं। यहाँ पे KCEL का फुल फॉर्म जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका, उसका पूरा नाम दिया हुआ है कटारिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये जो क्षेत्र है जहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है वो है छतवाड़ा महुआ वैशाली बिहार 844,122 पिन कोड है। ये है इसका डिजाइन, कुछ ऐसा लुक आएगा इसका, कुछ ऐसे लुक में नज़र आएगा ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर है और तस्वीर जो है फ्लैक्स में जिस हिसाब से इसका जो डिज़ाइन आया है ये इस तरह का होगा। इसका एरियल व्यू भी यहाँ पर है, ये देख सकते हैं कि पूरा क्षेत्र
जितने में ये बनेगा ये हॉस्पिटल उसका एरियल व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नदी है यहाँ पर, पानी का सोर्स है चारों तरफ हॉस्पिटल के दोनों तरफ, दो भागों में ये देख सकते हैं। काफ़ी सड़कों का निर्माण, पेड़ पौधों का जो है ग्रीनरीज का भी पूरा ख्याल रखा गया है। क्वार्टर्स है वहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, जो मेन बिल्डिंग दिख रहा है, हो सकता है वो हेलीकॉप्टर उतरने के लिए वो बनाया गया है। ये देख सकते हैं ये पूरी तस्वीर, और जब ये बनकर तैयार होगा तो ये क्षेत्र की क्या स्थिति होगी, कितना डेवलप करेगा, वह आप अनुमान लगा सकते हैं। ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग, पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। ये डिजाइन इस बिल्डिंग का है, ऐसा ही कुछ जब बनेगा तो नज़र आएगा। ये देख सकते हैं पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं इधर मिट्टी भरने का काम भी इनका चल रहा है, और उधर जो काम चल रहा है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। चलिए चलते चलते आपको इस हॉस्पिटल के बारे में, इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बारे में, इस नर्सिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता देते हैं। आज से लगभग 8 महीने पहले इसका शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। 462.11 करोड़ लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कई सुविधाएं होगी, कई विशेषताएं होगी इसकी। लड़कियों के लिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी होंगे, डॉक्टरों और नर्सों के लिए आवासीय भवन तथा छात्रावास भवन का निर्माण कराया जाएगा। आपको बता देते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण होने से वैशाली और समस्तीपुर जिला के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए या छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने गांव का नाम तो बता ही दिया है कि इसका निर्माण हो रहा है महुआ के छतवाड़ा गाँव में। इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के निर्माण के बाद यहाँ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मानक के अनुसार 100 मेडिकल के छात्रों का नामांकन हो सकेगा। 6 तल्ले की बिल्डिंग होगी इसकी, जिसमें प्रशासनिक भवन, विभिन्न विभाग भवन, लेक्चर थिएटर, केंद्रीय पुस्तकालय, परीक्षा भवन, प्रयोगशाला आदि बनाए जाएंगे। अगर बेड की बात की जाए तो 500 बेड का ये अस्पताल होगा, जिसका निर्माण हो रहा है, जिसमें विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं होगी। अस्पताल में ओपीडी, आधुनिक आकस्मिक आईसीयू, लेबर रूम, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी होगी। इसके अलावा अस्पताल में आधुनिक लॉन्ड्री, रसोई घर, मेडिकल स्टोर एवं वितरण कक्ष, CSS, TPSSU एवं मेडिकल गैस पाइपलाइन की व्यवस्था। ये भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी होगा, साथ ही इसे लेयर रूफ्ड वेयरिंग पद्धति से बनाई जाएगी। जितनी भी सुविधाएं होगी आप देख सकते हैं, जो मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बना है उसका वीडियो है हमारे चैनल में, आप चाहे तो देख सकते। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि कितना खूबसूरत ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है। स्वाभाविक है कि इसके बन जाने से, पहले ही बोल चुका हूँ, आसपास के लोगों को, चाहे वैशाली के हों चाहे समस्तीपुर ज़िले के हों, उन्हें छोटी बड़ी बीमारियों के लिए, गंभीर बीमारियों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था वहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के निर्माण शुरू होने का, जिसका निर्माण शुरू हो गया है 1 फरवरी में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। विकास होगा, दर दुकान सब खुलेंगे, गरीब के आमदनी का स्रोत बन जाएगा, कुछ भी छोट मोट धंधा भी करके अपना जीवन यापन कर सकता है।
अभी लोग कहाँ इलाज कराने जाते हैं, जब बड़ा हॉस्पिटल का जरूरत पड़ता है तो कहाँ जाते हैं? पटना। पटना जाते हैं, और इसके बन जाने के बाद? इसके बन जाने के बाद यहीं पर इलाज होगा। कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? नहीं, हम लोग तो खुश हैं। खुश हैं मतलब कि ये क्षेत्र का विकास करेगा। कौन गाँव हुआ? महुआ में छतवारा कपूर गांव पड़ता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, बिहार के विकास की तस्वीर आपको खोलती रहे। इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।